पूत सपूत तो की धन संचय, और पूत का पूत तो की धन संचय। मेरे माँ बाप ने नहीं सोचा था कि उनका लड़का कथा करेगा। मेरे पिता चने का ठेला लगाते थे तो उनको नहीं मालूम था कि मेरा बेटा कथा करेगा। मेरे पिता ने चाय की दुकान लगाई तो कब्बसी हमने धोए थे, चाय के गिलास हमने चाय देने जाते थे। उनको नहीं मालूम था कि उनका बेटा कथा करेगा। जब उनको नहीं मालूम था कि उनका बेटा क्या करेगा तो हमको क्या मालूम कि हमारा पुत्र आगे जाकर क्या करेगा। इसलिए अपने कर्म स्वयं लिखा कर मनुष्य पैदा होता है, उसके भाग्य में कितना है उसको मिल जाएगा। इसलिए कभी हमने अगर आपको कथा में जितनी बात कहते हैं उतना अपन भी स्वयं अमल कर चलते हैं। आप चिंता मत करना, आपके लिए है सर्वस्व। कल एक बहन जी कह रही थी, गुरु जी मेरा पर्स गिर गया साला सर में, पैसे नहीं। बहनों हमारे वो अग्रवाल जी आए हैं अमान टाबू से, उन्होंने कहा गुरु जी मेरे पास पैसे खत्म हो गए। हमने कहा ये 11,000 रुपए पकड़ो। एक बोले हमारे पास पैसा नहीं है, हमने कहा ये 5,000 पकड़ो। आप विठले सेवा समिति में आई हो, आपके पास अगर ओढ़ने के कपड़े नहीं हो, कोई भेद चले गया हो, साड़ी नहीं हो। जगन्नाथपुरी में किसी के सूटकेस चले गए थे, उनको वस्त्र दिए 4-6 लोगों को, जिनके पास जो नहीं है, अगर टिकट भी नहीं है तो समिति में सूचना करिए, विठले सेवा समिति आपका किराया देगी, आपको भेजेगी। आप बिल्कुल चिंता मत करो, आपके घर में आए हो साहब, टेंशन क्यों लेते हो। मुझे भी जोड़कर नहीं जाना है, आपका है, आपको समर्पित कर जाऊंगा। बेटा हूं आपका, पुत्र हूं, ना जाने क्यों भगवान ने सीहोर में जन्म दे दिया, ये तो मैं भी नहीं जानता। ना जाने किसके घर से कहां में जन्म ले लिया, मुझे नहीं मालूम। मेरी पत्नी कहती है हमको टाइम नहीं देते, मैं कहता हूं मेरे को मालूम नहीं, मैं क्यों समय नहीं दे पाता। बच्चों को समय नहीं देते, मुझे मालूम नहीं मेरा जन्म क्यों हुआ, मुझे ज्ञात नहीं है साहब कि मैं पैदा क्यों हुआ। मेरे ससुराल वाले कहते हैं आप हमसे पूछते नहीं हो, मैं कहता हूं मुझे मालूम नहीं मैं क्यों जन्मा। मेरे जन्म का कारण नहीं, मुझे आज भी संस्कृत नहीं आती है। मैं बड़े बड़े वेद पुराण संस्कृत नहीं पढ़ता, हिंदी में मुझे पढ़ने का शौक है, रात दिन पढ़ता हूं। बस पता नहीं, मेरी समिति के लोग कहते हैं आप इतना क्यों करते हो, घर से फुर्सत नहीं मिलती किसी को भी, मुझे नहीं मालूम मैं क्यों करता हूं, मुझे ज्ञात नहीं है। आज भी मैं मेरे कलुआ से पूछता हूं मेरा जन्म क्यों करा है, मुझे बताओ, ना जाने क्यों जन्म। जो जोड़ता हूं साल भर प्रयास करता हूं वो आपको परोसा जा सकता है। 1100-2100 में नहीं हो सकती सब व्यवस्था, मेरे जजमानों का भगवान को भला करे साहब, पसार पसार के देते हैं, खर्चा कर चले जाता हूं। अटैची लेकर आता हूं, उस अटैची को आपके सामने झटकार के दिखा देता हूं, आपने जो धन दिया वो कहां लग जाता। खूब, बस एक निवेदन है, खूब भजन करो साहब, खूब करो। धन नहीं है ना स्माइल देना, पैसा नहीं हो स्माइल भी नहीं हो तो मीठी वाणी बोलना बहुत देगा साहब। बैठा है मेरा गौर धननाथ, देने में कमी नहीं रखता। लोग चाहे ताने दें कुछ भी कहें, बड़ी अलमस्ती में अपनी जिंदगी जियो भाई, बहुत अलमस्त। मनुष्य का शरीर है, हम भी नहीं मिलेंगे तुम भी नहीं मिलोगे, चले जाता है। उसको लोग 10 दिन 8 दिन याद करते हैं, उसके बाद कोई याद नहीं करता। और सत्संग से जाने के बाद आपको लोग याद करेंगे कि कोई मिली थी, कोई मिला था। बहुत प्रेम से जीवन जियो साहब, और खूब सेवा करो माता पिता की। वो कह दे तू करोड़ों की दौलत यहां लुटा दे लुटा दे, वो कह दे यहां बैठ जा बैठ जा, देगा उसका आशीर्वाद होगा, खूब मिलेगा।